दाबो ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर देना। सियांग के इनो कॉन्फ्रेंसी के हमारे पब्लिक का डेलीगेशन जो आए हुए हैं, हमारे 37 पासीघाट वेस्ट, 38 पासीघाट ईस्ट और 39 मेवो कॉन्फ्रेंसी और कुछ उनुम पार्टीज अपना नारी 36 नारी कोयू से भी यहाँ पे आए हुए हैं। मीडिया के दोस्तों, भाइयों और बहनों, तो जैसे मैंने कहा कि इस बार 2024 का फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी को मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पे आज इस फील्ड में एकत्रित हुए हैं और इस बार का जो चुनाव का लहर का जो टूर जो है, मैंने भी काफी दिन पहले से वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कमिंग बेल्ट पूरा कवर होने के बाद, इसके बाद में सुवनसिरी बेल्ट पूरा कवर होने के बाद, अभी मैं सियांग बेल्ट में आया हूँ और सियांग बेल्ट में अपना ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का कैंपेन हमने 35 पंगिन बोलेंग कॉन्स्टिट्यूएंसी से कल से हमने शुरुआत किया है। आज सवेरे मैं 37 पासीघाट वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी जो रुंगोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से होते हुए आपके यहाँ पे 38 पासीघाट ईस्ट यहाँ पे हेडक्वार्टर में आ पहुंचा है। यहाँ से आज फिर मैं वापस फिर गेकू मैं जाऊंगा, गेकू का मीटिंग एड्रेस करके फिर मैं आलो वापस जाना है। तो जैसे मैंने कहा कि 2024 का जो ये इलेक्शन है, इस बार का इलेक्शन हम सब के लिए बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस बार का जो लहर, अरुणाचल प्रदेश का जो लहर है, वो हमने पूरा अच्छा से देखा है। वैसे डेमोक्रेसी में इलेक्शंस हर एक 5 साल में हम लोग को इलेक्शंस आता है, सरकार बनता है, सरकार जाता है। आज यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे साथ बहुत सीनियर लीडर्स लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारा डीसीएम साहब बहुत ही एक्सपीरियंस सीनियर लीडर है, हमारा निनोंग रिंग साहब फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, स्टेट में मिनिस्टर भी रह चुके हैं, हमारा लोमो ताइंग साहब बहुत ही सीनियर लीडर है, राज्य में पहले वो मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा यहाँ के जितने भी इस सियांग डिस्ट्रिक्ट के सीनियर लीडर्स, सीनियर सिटीजन्स लोग यहाँ पे विराजमान है। अपना 38 पासीघाट ईस्ट से जो हमारा उम्मीदवार है श्री कलिंग मोयोंग जी, काफी एक युवा नेता है। वो जितने भी जो हमारा यहाँ पे पासीघाट में अलग अलग कम्युनिटीज जो लोग बैठे हुए हैं, आदि के साथ में और भी बहुत सारा कम्युनिटीज यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन सब के साथ में मिलकर पासीघाट जो टाउनशिप को, पासीघाट कॉन्स्टिट्यूएंसी को बहुत आगे वो लेके काम कर रहा है। तो इस प्रकार का नेता इस बार दोबारा फिर बीजेपी पार्टी ने इनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, तो हम सब का ड्यूटी बनता है कि इनको यहाँ से दोबारा जिता के आप लोगों को ईटानगर में असेंबली में उनको यहाँ से आप लोगों को जरूर भेजना चाहिए। Upper go! Upper go! Upper go!
अभी इसमें देखिए यहाँ पे हमको कुछ विमर्श भी सुनने को मिल रहा है कि कोई कोई ओपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे एनपीपी हो, चाहे पीपीए हो, वो लोग विमर्श फैला रहे हैं कि हम लोग बीजेपी का बी टीम है, हम लोगों का पूरा चीफ मिनिस्टर का आशीर्वाद है। मैं आज आप लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि बीजेपी का कोई भी बी टीम या सी टीम होता नहीं है। जो भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, अपना 37 पासीघाट वेस्ट से है अपना निनोंग इरिंग जी, 38 ईस्ट से है अपना कलिंग मोयोंग जी, 39 मेबो से है अपना लुम्बो ताइंग जी। ये जो ईस्ट सियांग का तीन विधायक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, यही उम्मीदवार पेमा खांडू का उम्मीदवार है, यही उम्मीदवार अपना चोरामिन जी का उम्मीदवार है, अपना बीजेपी पार्टी का उम्मीदवार है और अपना नरेंद्र मोदी जी का ही उम्मीदवार